हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने अपने लाइफ को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। और आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक न्यू टैरो रीडिंग, और इसमें हम जानने वाले हैं कि जून के महीने में आपकी लाइफ में क्या मेजर ब्लेसिंग्स आ रही हैं, किस तरह से आपकी लाइफ आगे बढ़ने वाली है, जून के महीने में क्या होने वाला है आपके साथ। तो आज की रीडिंग में हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। एंड एक अनाउंसमेंट मैं करना चाहती हूँ रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, पहली बार आए हैं, तो आपका ढेर सारा स्वागत है मेरे चैनल पर। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ ही हिट द नोटिफिकेशन बेल, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करेगा ये वीडियो। एंड अगर आप लोग मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पर, विच इज़ सीकर ऑफ द डिवाइन ट्रुथ एट gmail.com। अगर आप मुझसे कोई क्रिस्टल परचेज करना चाहते हैं, रॉ क्रिस्टल्स या ब्रेसलेट्स या रिंग्स, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पर। सभी इन्फॉर्मेशन जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो आप उसे प्लीज़ चेकआउट करना मत भूलिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों की राशि मीन राशि है यानी कि पाइसेस, तो देख लेते हैं जून का महीना आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है मीन राशि। पहले ही इतने सारे कार्ड आ गए, पर मैं अच्छे से शफल करूँगी, उसके बाद ही आपको बताऊँगी। तब तक आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए ताकि आपकी एनर्जीज मैं पिक कर पाऊँ और आपको सही से गाइडेंस दे पाऊँ। मीन राशि के लिए ये बहुत ज़्यादा उथल पुथल, रिजिडनेस लग रही है। अपने आप को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाइए, योगा वगैरह करिए आप लोग, अपनी बॉडी को भी फ्लेक्सिबल बनाइए और अपनी सोच को भी फ्लेक्सिबल बनाने की आपको ज़रूरत है। ओके, मीन राशि के लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है? थैंक यू। ओह माय गॉड, बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं गाइस, मैं कैसे शफल करूँ? बहुत सारे लोग या तो मीन राशि दिख रहे हैं या फिर आपकी एनर्जीज बहुत डिस्टर्ब हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं आप लोग, बहुत कुछ सोच रहे हैं ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। बहुत कंफ्यूज एनर्जी में आप लोग, क्योंकि द हर्मिट ये कार्ड्स आने ही हैं, आ ही रहे हैं, तो मैं ले लेती हूँ। ओके, एक कार्ड और दीजिए प्लीज, 5 मिनट्स। थैंक यू। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। कन्फ्यूजन की एनर्जी आनी ही थी। Thank you so much. Five of Pentacles, थोड़ा सा फाइनेंशियली स्ट्रगल कर सकते हैं आप लोग इस महीने, आपका थोड़ा सा फाइनेंशियल स्ट्रगल देखने को मिल सकते हैं। बट डोंट वरी कि इतने भी फाइनेंशियल स्ट्रगल नहीं होंगे आपके कि आपके पास सब कुछ ख़त्म, आपके पास बेसिक नीड्स के लिए होंगे ही पैसे, बट थोड़ा बहुत फाइनेंशियल उतार चढ़ाव आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। एंड ऑल्सो मुझे लगता है कि कोई नया लव ऑफ़र आपकी तरफ आ रहा है, कोई न्यू लव ऑफ़र, कोई न्यू रिलेशनशिप आपकी तरफ आ रही है। तो ये रिलेशनशिप आपकी सोलमेट रिलेशनशिप हो सकती है और बहुत ही सुंदर आपका जीवन आगे बढ़ने वाला है। इस लव ऑफ़र को बिल्कुल भी मत ठुकराइएगा, एक्सेप्ट कीजिएगा, क्योंकि ये कोई सोलमेट रिलेशनशिप है आपकी और ये आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज करके रख देगी, पूरी तरह से बदल के रख देगी। इस महीने बहुत ही बड़े बदलाव आ रहे हैं आप लोगों की लाइफ में, एक्सेप्ट कीजिए उन बदलाव को। द हर्मिट की एनर्जी, मुझे लगता है कि आप लोग अकेलेपन में रहना ज़्यादा पसंद करेंगे, कुछ चिंतन करना, कुछ एनालिसिस करना, अपनी नॉलेज को बढ़ाना, अपनी कुछ स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना, पूजा पाठ में ध्यान लगाना, इन सब में आपका मन ज़्यादा लगेगा। एंड कुछ टीचिंग रिलेटेड काम भी आप लोग कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर 6 of Pentacles का कार्ड है जो कि दर्शा रहा है कि आपको दान पुण्य करने का अवसर इस महीने मिलेगा। आप लोग किसी को गिफ्ट दे सकते हैं या फिर कुछ दान पुण्य यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं। एंड बैलेंस आ रहा है किसी चीज़ का आपकी लाइफ में, बैलेंस लेकर आ रहे हैं ईश्वर। अगर आप लोग वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ में बैलेंस नहीं लेकर आ पा रहे थे तो इस महीने आपको बैलेंस मिलेगा अपनी लाइफ में। हो सकता है थोड़ा बहुत आप लोग अपनी लाइफ में बंधा बंधा महसूस करें कि मैं बहुत ज़्यादा बंध गया हूँ अपनी सिचुएशन में, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मैं आगे कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे हाथ पैर बंधे हैं। तो अपनी इंट्यूशन की सुनिए, यहाँ पर अपने मन की सुनिए, अपनी अंतरात्मा की सुनिए। आपको अपनी अंतरात्मा से जुड़ने की यहाँ पर ज़रूरत है, आपकी अंतरात्मा आपको मार्ग दिखाएगी यहाँ पर।
आप पूरी तरह से बंधे नहीं हैं, आपका इंट्यूशन पावर बंधा नहीं है। भले ही आपके आंखों पे पट्टी है, बट आपकी इंट्यूशन, आप लोग मन की आंखों से आप लोग अपनी सिचुएशन को देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। ओके, एंड द लवर्स का कार्ड, काफ़ी अच्छे लव रिलेशनशिप्स रहेंगे आप लोगों के, तो आप लोग अपने सोलमेट रियूनियन में जा सकते हैं। कुछ लोग लिटरली, कुछ लोगों की यहाँ पर शादी फिक्स हो सकती है, या फिर आप लोग कोई नए रिलेशनशिप में यहाँ पर जा सकते हैं। डेथ का कार्ड अगेन हमें बता रहा है कि बदलाव आ रहे हैं आपके जीवन में। डेथ के कार्ड से डरते नहीं हैं, क्योंकि ये बदलाव हमारे जीवन के अच्छे के लिए आते हैं, एक नई शुरुआत लेकर आते हैं ये बदलाव। साथ ही हमारे पास यहाँ पर 6-6 नंबर की ऊर्जा है, तो अगर आप लोग कुछ बुरा सोच रहे हैं तो आपको बुरा नहीं सोचना है, अपनी थिंकिंग को चेंज करना है, नेगेटिविटी से आगे बढ़ना है। साथ ही 5-5-5 की एनर्जी ऑल्सो टॉक्स अबाउट चेंजेस, तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। एंड कुछ लड़ाई झगड़ा हो सकता है आप लोगों का, तो उससे दूर रहने के लिए आपको कहा जा रहा है, लविंग एनर्जी में रहने के लिए, शांत स्वभाव में रहने के लिए। अगर कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो आपको उससे दूर बढ़ जाना है, आगे बढ़ जाना है। ओके, अपने इमोशन से आप लोग आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। किसी ने अगर आपको हर्ट किया था तो आप लोग इस सिचुएशन से आगे बढ़ पाएंगे, आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बट थोड़े से सैड मुझे लग रहे हैं आप लोग इस मंथ, सैडनेस की एनर्जी रहेगी थोड़ी सी, बट आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, एंजल्स आपके साथ हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑल्सो यहाँ पर भी आप स्पिरिट गाइड्स को देख सकते हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स, आपके फैमिली वाले सब आपके साथ हैं। ओके, सब आपको सपोर्ट करने के लिए हैं। तो आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है मीन राशि, जून महीने के लिए मीन राशि के लिए क्या गाइडेंस है? ओके, योर गाइडेंस इज डिवाइनली गाइडेड। जो भी हो रहा है आपकी लाइफ में, एंजल्स, डिवाइन एनर्जीज वो कर रहे हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हो रहा है उनके अकॉर्डिंग ही हो रहा है। एना ग्रैंड मदर ऑफ जीसस मिरर, व्हाट इज ट्रिगरिंग यू? आकाशा, योर डिवाइन, योर गाइडेंस इज डिवाइनली गाइडेड। एग्जैक्टली जो मैंने आपसे कहा था कि आपकी जो गाइडेंस है वो डिवाइनली गाइडेड है, तो ईश्वर, जो भी हो रहा है ईश्वर ही आपसे करवा रहे हैं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके लाइफ में चल रहा है वो ईश्वर ही आपको करवा रहे हैं, आप सही जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग अपनी लाइफ में सही जा रहे हैं, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अपनी माँ के साथ कनेक्ट कीजिए, अपनी माँ के साथ कनेक्ट कीजिए। कुछ लोग देवी माँ के यहाँ पर भक्त हो सकते हैं, तो देवी माँ आपको यहाँ पर ब्लेसिंग्स दे रही हैं, वो आपके साथ हैं, वो आपको प्रोटेक्शन दे रही हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं किसी भी नेगेटिव चीज़ से। और ये सब जो हो रहा है यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं, डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मिरर, हु और व्हाट इज ट्रिगरिंग यू, क्या चीज़ आपको ट्रिगर कर रही है, क्या चीज़ आपको गुस्सा दिला रही है, उस पर आपको काबू पाने की ज़रूरत है। उसको देखने, उसको जड़ से पहचानने की आपको ज़रूरत है कि क्या चीज़ आपको यहाँ गुस्सा दिला रही है, या फिर क्या चीज़ आपको लो वाइब्रेशन में लेके जा रही है। उसको ढूंढ के उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, उस पर काबू पाने की ज़रूरत है। मीन राशि के लिए क्या गाइडेंस है, मीन राशि के लिए क्या गाइडेंस आ रही है जून के मंथ में? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू मीन राशि, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओ माय गॉड, अमेजिंग सरप्राइज। एक कार्ड मैं और लेना चाहूँगी, फिर मैं आपको कार्ड दिखाती हूँ कौन सा कार्ड आया है। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, तो जो आए हैं वही मैं लेना चाहूँगी। के बॉटम ऑफ द डेक हनुमान जी का यहाँ पर कार्ड है, हनुमान जी की आराधना कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। राम जी की आराधना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए। वाह, सारे ही हमारे पास ईश्वर के कार्ड आए हैं, ये यू आर सो ब्लेस्ड, यू गाइज आर सो ब्लेस्ड। यहाँ पर देखिए तो कितने सारे ईश्वर के ही कार्ड आए हैं हमारे पास। तो यस, पहले बताती हूँ, पहले माँ दुर्गा का कार्ड आया था। तो जैसे कि मैंने कहा कि आप लोग देवी माँ के भक्त हो सकते हैं, तो देवी माँ आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, लविंग एनर्जीज भेज रही हैं, वो आपको प्यार करती हैं, तो आपको देवी माँ से, देवी माँ की आराधना करनी है, उनसे जुड़ना है और उनको थैंक यू बोलना है। माँ पार्वती का यहाँ पर कार्ड है, माँ पार्वती का कार्ड अगेन लविंग एनर्जी को दर्शा रहा है, ट्विन फ्लेम्स को दर्शा रहा है माँ पार्वती का कार्ड। जो भी आप लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में, सोलमेट रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, वो अवश्य ही पूरी होगी, आपकी रिलेशनशिप आगे बढ़ेगी, लविंग एनर्जीज आगे बढ़ेंगी। साथ ही आप जो लोग भी डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ रहे थे, तो आप उनको आगे बढ़ते जाना है और हार नहीं माननी है। ये कार्ड हमसे यही कह रहा है कि आपको हार नहीं माननी है,
माँ सीता का कार्ड हमसे कह रहा है कि आपको अपनी ऑनेस्टी, अपनी सीधेपन, अपनी ऑनेस्टी के साथ जुड़ना है। और मैं क्या बोलूँ, माँ सीता का कार्ड इतना सुंदर है, देखिए कितने सुंदर कार्ड है, इनका श्रृंगार कितना सुंदर है। माँ सीता का कार्ड हमसे कह रहा है कि लॉयल्टी, लॉयल्टी रखिए अपने पर्सन के प्रति। आपको लॉयल रहना है, आपको लॉयल रहना है अपने पर्सन के साथ। ओके, यही कार्ड कह रहा है माँ सीता का कार्ड, समर्पित करना है, लॉयल रहना है, और साथ ही आप लोगों को अपनी सादेपन से जुड़ना है, सीधेपन, सादेपन के साथ आप लोगों को जुड़ना है। सो यस मीन राशि, ये थे आप लोगों के लिए जून मंथ की गाइडेंस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही हिट द नोटिफिकेशन बेल, एंड अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा ये वीडियो। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।